प्रदेश की जनता के लिए एचआरटीसी की तरफ से एक खुशखबरी है। राज्य सचिवालय शिमला में आज हिमाचल पथ परिवहन निगम बीओडी की बैठक हुई। प्रदेश में एचआरटीसी की जिम्मेदारी संभाल रहे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, एचआरटीसी सिर्फ 231 रूट पर मुनाफे में है। बैठक में वोल्वो बसों का फ्लीट बदलते समय 572 नई बसें एचआरटीसी में शामिल करने को लेकर फैसला हुआ है। सुनिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने और क्या क्या कहा। तो जो महिलाओं को मुफ्त सुविधा दी जा रही है, ना तो उसको वापस लिया गया है और ना ही न्यूनतम किराया जो है बढ़ाया गया है। ये दोनों फैसले जो है किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुए हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग लगातार हो रही है और एचआरटीसी में कैसे खर्चे घटाए जा सकें और कैसे आय बढ़ाई जा सके, उस पर हम काम कर रहे हैं। एचआरटीसी 50वें साल में प्रवेश कर गई है, अपना गोल्डन ईयर मना रही है। 50 साल में हमने क्या खोया है, क्या पाया है, कहाँ तक पहुँचे हैं। 70 लाख लोगों की जितने भी ज़रूरतें हैं उनको हम पूरा कर रहे हैं और लगभग रोज़ाना 4 से 5 लाख लोग हमारी बसें जो है लोगों को उठा रही हैं एक स्थल से दूसरे स्थल पर ले जाने के लिए, उनको अपने गंतव्य स्थल पर पहुँचाने के लिए। तो एचआरटीसी का प्रदेश के आवाजाही में, प्रदेश के वेलफेयर में बहुत बड़ा योगदान है। नई बसेस डालने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, अभी हम 297 इलेक्ट्रिक बसेस डाल रहे हैं, 250 डीजल बसेस डाल रहे हैं और वॉल्वो बसेस का पूरा फ्लीट चेंज कर रहे हैं, 25 नई वॉल्वो बसेस डाल रहे हैं और उसके बाद 100 जो है टेम्पो ट्रैवलर हम डाल रहे हैं। भर्ती जो है कंडक्टर की भर्ती पहली दफ़ा जो है पब्लिक सर्विस कमीशन ने की है और आप क्या चाहते हैं। एचआरटीसी की भर्ती कंडक्टर्स की पब्लिक सर्विस कमीशन ने की है। कुछ ही दिन में जो है लोगों को स्टेशन दे दिए जाएंगे और किस बस पे उन्होंने जाना है वो सारा हो जाएगा। दूसरा, ड्राइवर्स की भर्ती रुकी पड़ी थी, उसको हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ड्राइवर की भर्ती सबसे इम्पॉर्टेंट है। जिस व्यक्ति के हाथ में हम 52 सवारियों का जीवन देते हैं या 42 आदमी की का जीवन जिसके हाथ में देते हैं, तो हमें डबली श्योर होना है कि वो आदमी जो है जिसके हाथ में हम गाड़ी दे रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से उस बस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले पहुँचा सकता है। ड्राइवर्स की भर्ती में, कंडक्टर की भर्ती में पहली दफ़ा कोई सिफारिश नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, टोटल मेरिट पे भर्ती हो रही है।